अगर ना मिलता वो फोटो तो आज भी जिंदा होता श्री प्रकाश शुक्ला। दुनिया की बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसियां हो जाती परेशान, लेकिन नहीं जाती श्री प्रकाश शुक्ला की जान। श्री प्रकाश शुक्ला को मारने के लिए लिया गया सुनील शेट्टी का सहारा। सुनील शेट्टी की वो तस्वीर जिस पर लिखी गई श्री प्रकाश शुक्ला की तकदीर। एक लड़की ने वो कदम उठाया, श्री प्रकाश शुक्ला का पुलिस को बड़ा राज बताया, फिर पुलिस ने ऐसा जाल बिछाया, शुक्ला का आया काल। बड़ा शातिर था श्री प्रकाश शुक्ला, नहीं छोड़ता था कोई सबूत, आखिर फिर पुलिस की किस चालाकी से गई उसकी जान। यूपी का वो डॉन जिसका नाम लेते आज भी लोगों के दिलों की धड़कने पड़ जाती है, जिसके आगे उस वक्त की पुलिस के भी हाथ पैर फूल जाते थे, जिसका नाम उस दौर में अपराध की दुनिया में बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता था। उस डॉन की एक फोटो के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। अगर श्री प्रकाश शुक्ला का वो एक फोटो पुलिस के हाथ ना लगता तो आज भी श्री प्रकाश शुक्ला जिंदा होता। जी, आज अपने इस खबर में हम आपको श्री प्रकाश शुक्ला की उस फोटो की कहानी बताएंगे जिसके लिए पुलिस ने उस वक्त बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी का सहारा लिया था, तब जाकर श्री प्रकाश शुक्ला पुलिस के हाथ चढ़ा था। ये बात है 90 के दशक की। उस वक्त श्री प्रकाश शुक्ला ने अपनी करतूतों से यूपी पुलिस की नाक बेदम कर रखा था। वो वारदात करके निकल जाता था और पुलिस लकीर पीटती रह जाती थी। पुलिस के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि जिस बड़े अपराधी को पकड़ने की तमाम कोशिशें कर रही थी, उसकी एक भी फोटो पुलिस के पास नहीं थी। तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस को श्री प्रकाश शुक्ला की कोई फोटो नहीं मिल रही थी। गोरखपुर में भी श्री प्रकाश शुक्ला के निशाने पर रहे वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी जैसे लोगों से भी संपर्क किया गया। दोनों का ही पूर्वांचल में खासा दबदबा था, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला के डर से उन दोनों बाहुबलियों ने भी श्री प्रकाश की फोटो पुलिस को नहीं दी। बताया जाता है कि श्री प्रकाश शुक्ला को फोटो खिंचवाने का बहुत शौक था, तो लखनऊ के तमाम फोटोग्राफर से संपर्क किया गया, लेकिन कोई भी श्री प्रकाश शुक्ला से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। बताया जाता है कि एक बार श्री प्रकाश शुक्ला को एक फोटोग्राफर पर शक हुआ तो श्री प्रकाश ने उसे सरेआम गोलियों से भून डाला। इस कत्ल के बाद तो सारे फोटोग्राफर्स के बीच दहशत फैल गई और अब कोई भी पुलिस की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। पुलिस के सामने सारे रास्ते बंद होते जा रहे थे। तभी पुलिस को पता लगा कि लखनऊ के हजरतगंज में श्री प्रकाश शुक्ला का एक रिश्तेदार रहता है। श्री प्रकाश का उसके घर आना जाना रहता है। तय किया गया कि श्री प्रकाश शुक्ला के बहनोई के यहाँ रेड डाली जाएगी। पुलिस की एक टीम उस मकान पर पहुंची और उस रिश्तेदार को धर दबोचा। पहले तो उसने श्री प्रकाश से कोई भी रिश्ता होने से मना कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से उससे बातचीत की तो उसने बताया कि श्री प्रकाश अक्सर यहाँ आता था, लेकिन पिछले कई दिनों से वो नहीं आ रहा। लेकिन पुलिस की धमकी के बाद भी पति पत्नी लगातार इस बात की रट लगा रहे थे कि वो श्री प्रकाश शुक्ला की फोटो नहीं दे सकते। लेकिन कहते हैं, अगर सच्चे दिल से किसी चीज को ढूंढा जाए तो कुदरत भी मदद करती है। जिस वक्त पुलिस घर में पूछताछ कर रही थी, तभी घर की बेटी आ गई और पुलिस ने उससे अलग कमरे में ले जाकर पूछताछ की। इसके बाद उसने बताया कि श्री प्रकाश शुक्ला उसका मामा लगता है। पुलिस ने अब उस लड़की को विश्वास में लेना शुरू किया तो वो सारे राज उगलती चली गई। उस लड़की ने पुलिस के सामने एक कैमरा रख दिया। कैमरे को देखकर पुलिस की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि जिस अपराधी के फोटो को खोजने के लिए पुलिस परेशान थी वो अब मिलने वाला था। इस बीच वो लड़की एक किताब लेकर आई और उसी किताब के पन्नों के बीच से उसने 4-5 फोटोग्राफ निकाल कर पुलिस को थमा दी। तस्वीरों में उसके माँ बाप, उसके कुछ दोस्त भी दिख रहे थे। साथ ही फोटो में एक खूबसूरत नौजवान भी पुलिस को नजर आया। पुलिस ने लड़की से पूछा कि ये कौन है, तो उसने बताया यही है श्री प्रकाश मामा। फोटो मिलने की खबर पास के ही कमरे में बैठे लड़की के माँ बाप को लग गई। दोनों भाग के उस कमरे में आ गए जहाँ पर पुलिस लड़की से पूछताछ कर रही थी। आते ही दोनों ने पुलिस वालों के पांव पकड़ लिए। उनका कहना था कि ये फोटो अगर बाहर किसी ने देखी या कहीं भी छपी तो श्री प्रकाश को पता लग जाएगा कि ये फोटो इसी घर में खिंची है और वो किसी भी हालत में पूरे परिवार को छोड़ेगा नहीं। परिवार की इस बात को सुनकर पुलिस परेशान हो गई। पति पत्नी की बात अब भी पुलिस के दिमाग में घूम रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि फोटो सार्वजनिक होते ही इस परिवार का बचना नामुमकिन हो जाएगा। अगर परिवार को कुछ होता है तो फिर से पुलिस की फजीहत होगी। तब पुलिस की टीम के एक सदस्य ने सुझाव दिया कि इस फोटो का नक्शा चेंज कर दिया जाए, यानी कि कुछ ऐसा किया जाए कि मालूम ही न चल पाए कि ये फोटो कब और कहां ली गई थी। पुलिस के एक अधिकारी उस फोटोग्राफ को लेकर हजरतगंज बाजार गए और वहां उन्होंने पटरी पर हीरो की इमेज वाले कई पोस्टकार्ड बिक रहे थे। उन तस्वीरों को देखकर उनके दिमाग में आईडिया आया। पुलिस ने एक पोस्टकार्ड दिया जिस पर सुनील शेट्टी की तस्वीर थी, जिसमें सुनील शेट्टी ने डेनिम शर्ट पहन रखी थी। सुनील शेट्टी की इस तस्वीर को लेकर पुलिस वाले रंगीन फोटो स्टेट की दुकान पर पहुंचे। श्री प्रकाश शुक्ला की फोटोग्राफ देखकर दुकानदार भी घबरा गया, लेकिन जब पुलिस ने उसे विश्वास में लिया तो वो तैयार हो गया। बड़ी बारीकी से फोटोग्राफ में श्री प्रकाश शुक्ला के चेहरे और गर्दन का हिस्सा काटा गया और उसके बाद पोस्टकार्ड में से सुनील शेट्टी की गर्दन और चेहरे का हिस्सा हटाकर और फिर पोस्टकार्ड में सुनील शेट्टी की फोटो में श्री प्रकाश शुक्ला का सिर फिट कर दिया गया।
खुशकिस्मती से शिव प्रकाश के चेहरे वाला फोटो पोस्टकार्ड वाले सुनील शेट्टी के चेहरे पर पूरी तरह से फिट आ गया और देखकर अंतर बताना मुश्किल था। उसके बाद उस फोटोग्राफ की करीब 200 कॉपियां निकाली गईं और उसे ढूंढने की तैयारी शुरू हुई। बताया जाता है कि अपनी फोटो मिलने से वो बेहद परेशान हो गया था। बस यहीं से शिव प्रकाश शुक्ला की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। हालांकि इसके बाद भी शिव प्रकाश ने कई वारदातों को अंजाम दिया था, लेकिन आखिरकार वो केवल उसी फोटो की वजह से मारा गया। अगर वो फोटो ना मिलता तो शायद आज शिव प्रकाश शुक्ला पुलिस की गिरफ्त से बाहर होता और जिंदा भी होता। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।